जून 1969 में पैदा होने वाले साबिक आलमी नंबर वन स्क्वाश प्लेयर, वर्ल्ड ओपन रिकॉर्ड 8 दफ़ा जीतने वाले और ब्रिटिश ओपन के 6 दफ़ा के फातिह, जान शेर खान का ताल्लुक पेशावर के एक ऐसे घराने से है जिसने पाकिस्तान को बेहतरीन स्क्वाश के खिलाड़ी दिए। उन्नीस सौ छियासी में पहली बार वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल जीतने के बाद जैसे कामयाबियों के दरवाजे एक के बाद एक जान शेर खान पर खुलते चले गए। 1987 के हांगकांग ओपन सेमीफाइनल्स में जान शेर खान ने उस वक्त के आलमी नंबर वन खिलाड़ी जहांगीर खान को शिकस्त देकर एक आलम को वर्तए हैरत में मुब्तला कर दिया। और फिर 1987 ही में जान शेर खान ऑस्ट्रेलिया के क्रिस डिटमर को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन करार पाए। निन्यानवे प्रोफेशनल टाइटल्स हासिल करने वाले और 6 साल से ज़ायद आलमी नंबर वन का एहसास हासिल करने वाले जान शेर खान ने 2001 में स्क्वाश से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। 2007 में जान शेर खान एक बार फिर स्क्वाश कोर्ट्स में स्ट्रोक्स लगाते नजर आए। आपका शुमार बिलाशुबा इन अफराद में किया जा सकता है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर ना सिर्फ उजागर किया बल्कि इसको एक मकाम भी दिलवाया। आइए मिलते हैं साबिक आलमी नंबर वन स्क्वाश प्लेयर जान शेर खान से। वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन, मैं कहती हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ हमेशा इस सोफे पे आपको ऐसे किसी इंसान से मिलाऊं जिससे फ़खर से आपका सन बुलंद हो जाए मिलके। जान शेर खान साहब हमारे नेशनल हीरो, बहुत 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 फ़खर महसूस हो रहा है आज के आप यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मतलब आप एक बहुत बड़ा नाम थे हम सब की ज़िंदगी में और आज हियर यू आर इन द पर्सन। वर्ल्ड ओपन 8 साल इन्होंने जीता और 99 प्रोफेशनल टाइटल्स एंड नंबर वन फॉर ओवर 6 ईयर्स। उसके बाद फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, मतलब यूके ओपन, एवरी ओपन एंड ये और यू वन द वर्ल्ड ओपन 8 टाइम्स। जी बिल्कुल, 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन। माय गॉड। और ये उसके बाद और ये मैं पढ़ रही थी कि आप भी और जहांगीर खान साहब भी दोनों आप तो यू आर फ्रॉम नवाकी नया पेशावर और ये जहांगीर खान साहब कहाँ से थे? ये भी हमारे गांव से थे, नवाकी से थे। तो देखिए फ्रॉम दिस स्मॉल विलेज नियर पेशावर दो ऐसे लेजेंड्स निकले जिन्होंने पूरी दुनिया में स्क्वाश का सोट स्क्वाश की दुनिया बिल्कुल हिला के रख दी और आज तक आप लोगों के नाम ऐसे बड़े लेजेंड्स हैं आप के लोगों के मुंह पे स्क्वाश की दुनिया में। मुझे बताइए कि आप 12 साल के थे, आप कहते हैं कि आपको बस आपको एहसास हुआ कि आपको बिल्कुल मोहब्बत थी उस वक्त स्क्वाश से, क्या स्क्वाश में आप आए कैसे? असल बेसिकली खेलना शुरू कैसे किया? स्क्वाश जो थी वो मेरी फैमिली गेम थी। मेरे से मेरे बड़े भाई महबूबुल्लाह खान वो स्क्वाश के चैंपियन रहे और उसको देखकर मुझे स्क्वाश का शौक़ बढ़ा और जब मैं छोटा था तो उनको देखता था तो मुझे भी यही शौक़ था, मेरी भी ये विश थी कि मैं भी अपने भाई की तरह अपना। आपके दोनों भाई स्क्वाश खेलते? दोनों भाई स्क्वाश खेलते थे और अर्ली 76 और 77 में वो चैंपियन थे तो उनको देखकर मुझे शौक बढ़ा और मैं मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी इनकी तरह जो है ना मुल्क का नाम रोशन करूं। लेकिन मुझे फैमिली की तरफ से स्क्वाश खेलने की इजाज़त नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि बचपन में अगर आपने देखे हो मेरे मैच तो मैं बड़ा दुबला पतला होता था। बिल्कुल। तो मेरी माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं। खैर अभी तो मैं ये समझता हूँ कि उस लिहाज से अगर अभी देखा जाए तो मैं काफ़ी मोटा हूँ। उस टाइम तो मैं बहुत दुबला पतला था और मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि आप स्क्वाश नहीं खेल सकोगे, इसलिए बेसिकली स्क्वाश बड़ी सख्त गेम, इसलिए कि मेरे ऑलरेडी दो भाई खेलते थे तो उन्होंने कहा आप नहीं खेलोगे इसलिए कि ना गर्मी देखी जाती है ना ठंड देखी जाती है, उसमें दिन रात ही खेलते हैं और मुल्क से तकरीबन 8 और 9 महीने मुल्क से बाहर होते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो आप इसको नहीं खेल सकोगे, आप स्टडी करें, आप पढ़ें। लेकिन पता नहीं मुझे स्क्वाश से इतना लगाव था कि आपको मैं बता ही नहीं सकता और उसी लगाव ने जो है ना मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनाया और नो डाउट कि मैंने मेहनत बड़ी की है। तो ये है कि हर फील्ड में अगर आप मेहनत करें दिल से आप आगे जा सकते हैं। लेकिन आपकी फैमिली गेम कैसे बनी स्क्वाश? मेरे बड़े भाई थे ना महबूबुल्लाह खान, उनको कैसे शौक हुआ? उन्होंने शुरू किया, बस वो जाते थे और हमारे घर के साथ स्क्वाश कोर्ट थे ना। अच्छा। तो वो जाते छोटे थे तो उन्होंने देखा एक दिन वो तख्ती पर खेलते थे, उसके बाद उसका भी शौक बढ़ा।
इस तरह वो गेम में आए, जब वो गेम में बचपन से, वो भी छोटी उम्र में जूनियर के लिए गए, लंदन गए ब्रिटिश जूनियर के लिए, वर्ल्ड जूनियर के लिए, इस तरह वो आए स्क्वाश में। और बस हांगकांग ओपन सितंबर 1987 में आपने सेमीफाइनल में जहांगीर खान को हराया, और उसके बाद आपने यू बीट हिम एंड बीट हिम 3-0। दैट हिस्टोरिक विन वाज अ स्टार्ट ऑफ एन 8-match domination, 8-match domination, 8 मैच आपने जीते ओवर द फॉर्मली अनबीटेबल जहांगीर खान। कोई इससे पहले जहांगीर खान साहब को नहीं हरा सका था। इन बर्मिंगम इन सितंबर जहांशेर बीट जहांगीर इन द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड ओपन एंड वेंट ऑन टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन। और आप आखिरी बार वर्ल्ड ओपन इन 1993 आपने खेला और आप जीते 3-1। 37 टाइम्स आपने इनके साथ खेला, जिसमें से 19 बार आप जीते हैं और वो 18 बार जीते। माय गॉड, वो मतलब ये उसके बारे में बताइए जरा, वो क्या कैसा होता था असल में? पहली बार जब आप जीते वर्ल्ड चैंपियन से तो आपको कैसा लगा? पहली मर्तबा मैंने जहांगीर को जीता हांगकांग में 87 में, और मैं ये समझता हूँ कि उससे उस वक्त गेम जीतना जो थी ना, वो बहुत बड़ी बात होती थी। और पिछले 5-6 साल तक वो मतलब हर किसी को जीत रहा था, और उससे गेम जीतना बड़ा मुश्किल था। और सडनली जब इसको मैंने हांगकांग में हराया फर्स्ट मर्तबा, तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लोगों ने कहा ये एक तुक्का लग गया। और उसके बाद मैं फाइनल में क्रिस डिडमार को जीता, नेक्स्ट डे मैंने फ्लाइंग किया, मैं आया कराची पाकिस्तान ओपन के लिए। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि हम अगर इस आपकी जीत को लक समझें तो मैंने कहा जी लक इसलिए नहीं हो सकता कि मैं 3 लव जीता हूँ, और आपको चाहिए कि मुझे आप कॉन्फिडेंस दिलाएं। आप मुझे कह रहे हैं लक, इसलिए कि बजाय एक पाकिस्तानी खेल रहे तो 2 पाकिस्तानी खेलेंगे तो ये मुल्क के लिए एक फ़ख्र की बात होगी। और उसके बाद मैं पाकिस्तान ओपन जीता उधर ही नेक्स्ट वीक, हांगकांग के फौरन बाद पाकिस्तान ओपन जीता। फिर लोगों ने कहा नहीं बात कोई सीरियस ही है। उसके फौरन बाद फिर 2 दिन बाद मैं लंदन चला गया, लंदन में वर्ल्ड ओपन खेला। तो आप डरे घबराए जब पहली बार जहांगीर खान के खिलाफ आप खेल रहे थे तो जरा लगा कि ओ माय गॉड? जहर बात है, इतने बड़े प्लेयर से जब आप खेलते हो, लेकिन एक होता है इंसान में अल्लाह ताला की तरफ से एक कॉन्फिडेंस होता है, फोकस होता है, कॉन्फिडेंस होता है। मैंने जब उससे खेला, नो डाउट कि मेरे दिल में उसके लिए एक बड़ी ऑनर थी कि जी एक बहुत बड़े चैंपियन से खेल रहा हूँ, लेकिन यह था कि मैं नर्वस नहीं था कि मैं जहांगीर से खेल रहा हूँ और इसको जीत सकता हूँ या नहीं। हाँ ये है कि मैंने अपने कोच को कहा था, मैंने सर्कट होता है मलेशिया से शुरू होता है, हांगकांग आखिरी टूर्नामेंट होता है, तो मैं मलेशिया सिंगापुर जीता तो फिर मेरा हांगकांग मेरी फ्लाइट थी, तो मेरे कोच ने मुझे कहा कि आपने सेमीफाइनल जहांगीर से खेलना है। मैंने कहा यार ऐसे सेमीफाइनल में हार के ना तो फ्लाइट पकड़ के वापस पाकिस्तान आऊँगा। उसने मुझे कहा ऐसे मत बोलें, आप कोशिश करें, आप ये मत बोलें कि मैं सेमीफाइनल आ रूँगा। और सडनली मैं सेमीफाइनल जीत गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए तो बहुत बड़ा दिन था कि मैं जीता, वो टूर्नामेंट जीता फिर उसके बाद, और उसके बाद ये सिलसिला मेरा जारी रहा माशाल्लाह से। और लिखा हुआ है कि ही कंबाइंड स्टेल्थ एंड अग्रेशन टू नियर परफेक्शन, यानी कि स्टेल्थ वो जो एक सरप्राइज मूव्स होती हैं, और अग्रेशन दोनों चीज़ें आप में जो थी, इट वाज देयर, आई मीन परफेक्ट। तो वो क्या वो आपकी कोचिंग से आई, वो किस तरह आई? मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी रीच जो थी ना, ये गॉड गिफ्टेड थी। कुछ प्लेयरों में होती है रीच, ये होती है कि जब प्लेयर सेंटर में खड़ा होता है और वो कोर्ट में भागता नहीं है, सिर्फ रीच पे बाल एक कदम उठाकर बाल उठाता है। बास प्लेयर जो होते हैं वो कोर्ट में भागते हैं। मेरे एनर्जी बहुत कम इस्तेमाल होती थी, उसकी वजह ये थी कि मैं कोर्ट में ऐसे लगता था जैसे मैं कोर्ट में वॉक कर रहा हूँ। तो ये क्या वजह है? मैं तो जब भी देखती हूँ अभी भी, अच्छा मेरे हस्बैंड को भी बड़ा शौक है स्क्वाश खेलने का, इनके दोस्त जब भी खेलते हैं इधर से उधर भाग रहे होते हैं। अब इसीलिए उसमें एनर्जी जाया हो जाती है। मैं यही घबराती हूँ हमेशा, क्योंकि रिसेंटली समबडी आई नो माशाल्लाह से ही इज ओके नाउ, लेकिन 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक, ये स्क्वाश खेलते खेलते, क्योंकि इतना ये हाई इम्पैक्ट गेम है आपके हार्ट पे। फिजिकली मेरे ख्याल दुनिया में सबसे टफ गेम है, लेकिन अगर एक बंदा बचपन से खेल रहा है तो ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 65 एज तक खेल रहे हैं ठीक ठाक है, लेकिन अगर सडनली वो उसने गेम शुरू किया एज ऑफ 30 और 32, तो जब उसके बाद वो 40 या 40 ओवर करता है तो उसको फिर तरीके से खेलना चाहिए और इतना टफ। और अगर बचपन में खेल रहे थे और बीच में छोड़ दिया और अब वापस आ रहे हैं लेट, डिपेंड आपने बचपन में कितना खेला और कितना टफ खेला। इतना टफ खेला एब्सोल्युटली। और हम ये भी पूछेंगे कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज कहां से सीखी, कैसे सीखी, अब जहांशेर खान साहब क्या कर रहे हैं और इनका जो क्या ओपिनियन है आजकल के स्पोर्ट्स के बारे में और स्क्वाश के बारे में।
ये सब बातें करेंगे और आपसी बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।